Now we will discuss about production of plane polarized light. Okay, so how you can produce plane polarized light from an unpolarized light. Production of प्लेन पोलराइज लाइट एंड देर आर मेनी वेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज. जैसे आप कर सकते हैं बाय रिफ्लेक्शन. यस, ओनली बाय रिफ्लेक्शन यू कैन मेक एन अनपोलराइज लाइट अ प्लेन पोलराइज लाइट. यू कैन डू इट बाय रिफ्रैक्शन. यू कैन डू इट बाय सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन. You can do it by scattering of light. Just by scattering light can get plane polarized. And you can also do it by what we call as double refraction or birefringent. Okay, so these are a few ways. ऐसा नहीं है कि केवल यही है, कुछ और भी हो सकते हैं, but these are the most popular ways that you can produce a plane polarized light from an unpolarized light using reflection. So, सबसे पहले यही देखते हैं कि how we can produce a plane polarized light in unpolarized light from a plane polarized light from an unpolarized light using reflection. So, you see, whenever let's say you have a glass plate, okay. So, this is a glass plate, and अगर इस glass plate पे लाइट फॉल करें तो कुछ पोर्शन विल रिफ्लेक्ट बैक एंड सम पोर्शन विल ट्रांसमिट, राइट. सो दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज ट्रांसमिटेड. ऑन एन एवरेज ये देखा जाता है कि अगर मान लीजिए 100% इंटेंसिटी वॉज इंसिडेंट, देन 92% नियरली ट्रांसमिट हो जाएगी, केवल 8% रिफ्लेक्ट होती है. तो केवल 8% यानी इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज वेरी वेरी स्मॉल. 92% ट्रांसमिट हो जाती है, केवल 8% रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है. और इस वक्त इस तरीके से अगर हम पोलराइजेशन की बात सुने तो जो इंसिडेंट लाइट है वो अनपोलराइज्ड है. ठीक है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो भी अनपोलराइज्ड होगी और जो रिफ्लेक्टेड है वो भी अनपोलराइज्ड होगी. लेकिन सन 1808 में मैलस ने ये ऑब्जर्व किया कि पोलराइजेशन आपके इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है, और अगर एक इंसिडेंट एंगल एक पर्टिकुलर एंगल के बराबर है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है. यानी उस 8% का अगर आप पोलराइजेशन चेक करें तो इट विल बी 100% प्लेन पोलराइज्ड. तो मैलस ऑब्जर्व व्हाट दैट इफ यू हैव लेट्स से ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5. मैलस ने ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए आपकी एक ग्लास प्लेट है जिसका कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और नॉर्मल से मान लीजिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये आई करीब करीब 56.3 डिग्री के बराबर है. 56.3 डिग्री के बराबर है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी was 100% polarized or plane polarized. यानी polarization कैसा होगा इस पर depend करता है कि आपने किस incident angle पे इस light को incident कराया है on glass plate. तो it depends on कि आपका glass का refractive index क्या है. It also depends on आपका
ये इंसिडेंट एंगल क्या है, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज है, इंसिडेंट वाज अनपोलराइज्ड, तो मेलस ने ये ऑब्जर्व किया दैट इफ लेट्स से दिस इज अ ग्लास प्लेट, सो इफ यू हैव अ ग्लास प्लेट व्हिच इज ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेट्स से 1.5 एंड दिस इज द नॉर्मल, द लाइट फॉल्स ऑन इट एट स्पेशल एंगल सच दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज्ड। ओके, इन सच अ केस यू कॉल दिस एंगल आई एज अ पोलराइजिंग एंगल आई पी, सो वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ इंसिडेंस एंगल, वी कॉल दैट एज आई पी, आई पोलराइजेशन, एंड इन दिस केस द ट्रांसमिटेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। And if you repeat this transmission through a few more blocks, then this transmitted light would also become plane polarized. Okay, so you can have from transmission also, you can have plane polarized light, which was initially unpolarized. Now, how we will detect that the light we obtained after reflection at polarizing angle was a polarized light? So the detection criteria is simple and same, that you have to use a tourmaline crystal. So let me just say that you have, this is your incident plane and this is the normal, okay, and this is the incident ray, which is an unpolarized light having plane of vibration in all possible directions. Okay, it is having plane of vibrations in all possible directions. Possible means those perpendicular directions which are perpendicular to propagation, having plane of vibration perpendicular to the direction of propagation, but sare perpendicular directions allowed. So this is unpolarized light, unpolarized incident. But because Malus has observed that if this angle incidence is polarizing angle IP, this angle is polarizing angle IP, then only plane polarized light will be reflected. Only plane polarized light will be reflected. And it was observed through tourmaline crystal that this polarized light has plane of vibration which is perpendicular to the plane of this paper. It means iska plane of polarization is this plane of paper. Remember the definition of plane of vibration and plane of polarization. So plane of vibration aap dot se pata laga sakte hain, is perpendicular to the plane of paper, and therefore plane of polarization is plane of paper. So ye definition bhi aapko yaad rakhni, and it was observed through a crystal which is called as tourmaline crystal. ओके, इसको रोटेट करने के बाद ये देखा गया कि किस एंगल पे ये जो लाइट है वो जीरो हो जाती है यहां से ट्रांसमिट होने वाली, एंड दे फाउंड यूजिंग दिस टॉमलिन क्रिस्टल, इसे हम एनालाइजर क्रिस्टल भी बोलते हैं, कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और जो ट्रांसमिटेड लाइट थी, यानी ये जो लाइट बाहर आएगी, इट वॉज पार्शियली पोलराइज, यानी इसमें ज्यादातर का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वॉज अलोंग या पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन कुछ परपेंडिकुलर भी मौजूद थे, कुछ परपेंडिकुलर मौजूद थे, इसीलिए ये तो प्लेन पोलराइज्ड है, और ये जो ट्रांसमिट हो गई इसे हम बोलेंगे पार्शियली पोलराइज्ड। Now, keeping this type of scene in mind, we can have three different cases. We can have three different cases. Like, maan lijiye, if the light incident, case one, if the light incident was a plane polarized light having vibration parallel to plane of paper, yani
ये लाइट ही प्लेन पोलराइज थी जिसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं। दिस इज इंसिडेंट एंड इट वाज इंसिडेंट एट एन एंगल आई पी, ठीक है, और ये जो सरफेस है ये इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो ऐसा कोई भी प्लेन या लाइट तो प्रेजेंट है ही नहीं जिसका कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस पेपर में हो, ऐसा तो है ही नहीं क्योंकि लाइट खुद ही पोलराइज्ड थी और इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस वर ओनली पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, कोई परपेंडिकुलर लाइट मौजूद ही नहीं थी, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, ओके। और रिफ्लेक्शन या जो ट्रांसमिशन होगा तो यू वोंट बी सी एनीथिंग इन रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन में आपको एक पोलराइज लाइट ही मिलेगी, ओके, ट्रांसमिशन में आपको एक पोलराइज लाइट ही मिलेगी। तो अब क्योंकि इंसिडेंट में ही ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं था जो परपेंडिकुलर हो, तो रिफ्लेक्शन में भी नहीं होगा, तो कुछ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा ही नहीं अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज केस वन। केस टू इज नाउ यू कैन फाइंड, हां दिस इज केस वन, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज गोइंग टू बी केस टू। Case 2 is somewhat similar and the only difference is now the incident angle is having only plane of vibrations which are perpendicular to the plane of paper. Okay, plane of vibration which are perpendicular to the plane of paper. Ab aise mein kya hoga? Now you see, jo reflect honge, wo to 100% agar ye IP hai, to polarized hi honge. Aur jo transmit honge, is transmission mein koi bhi angle parallel wala nahi hoga, kuch डॉट वाले प्रेजेंट होंगे, तो इट विल बी पोलराइज्ड एंड दिस विल आल्सो बी पोलराइज्ड, ट्रांसमिशन भी पोलराइज्ड और रिफ्लेक्शन भी पोलराइज्ड इस केस, ठीक। और एक थर्ड केस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ली तो क्या होगा, तो कुछ वाइब्रेशंस इंसिडेंट में पैरेलल हैं, कुछ परपेंडिकुलर हैं, सभी मौजूद हैं, ओके, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। सो जो रिफ्लेक्ट होगा इट विल हैव ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, और जो ट्रांसमिट होंगे उसमें दोनों डायरेक्शंस मौजूद हो सकते हैं क्योंकि ट्रांसमिशन वाली पार्शियली पोलराइज्ड होती है, ठीक। और ये सारी चीजें सन 1808 में मैलस ने ऑब्जर्व की, that if you have a particular angle for a particular given piece of glass sheet jiska ki ek refractive index hai, to ek angle aisa exist karta hai jisme reflect, agar reflection agar aap observe kare to jo reflected light hai wo 100% plane polarized hogi. Isi tarike ki observation kareeb kareeb 72 years ke baad sun 1880 mein इसी फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट पोलराइजेशन कैन अकर बाय रिफ्लेक्शन, कौन, जिनका नाम है ब्रूस्टर। और इन्होंने एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। इन 1880 ही गेव दिस लॉ। इनका कहना था दैट जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, तो सबसे पहली चीज तो हमने ऑब्जर्व कर लिया दैट एट अ पर्टिकुलर एंगल, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पी रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स 100% plane polarized या perfectly plane polarized बोल सकते हैं,
एंड ब्रूस्टर्स ऑब्जर्व दैट टेन यानी टेंजेंट ऑफ दिस एंगल आई पी विल बी इक्वल्स टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मटीरियल. ठीक है, 10 ऑफ द गिवन एंगल विल बी इक्वल टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मटीरियल. और इस क्वेश्चन को ही ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं. दिस इज योर ब्रूस्टर्स लॉ. ठीक है, और अलग अलग सरफेसेस या ये कहें जैसे मान लीजिए अलग अलग इंटरफेसेस के लिए, जैसे मान लीजिए ही गेव फॉर यहाँ एयर है और यहाँ ग्लास है, तो ही सेड दैट ही एक्चुअली फाउंड दैट जो एयर और ग्लास के लिए आईपी होगा वो नियरली 57 डिग्रीज हो सकता है ऑन एन एवरेज, हर ग्लास के लिए नहीं, डिपेंडिंग ऑन क्या म्यू है. और अगर आपके पास एयर और वाटर का डिफरेंस है तो इसका जो आईपी होगा ये 53 करीब होगा. ठीक, तो आईपी पर 100% पोलराइज होगी, और अगर आईपी से ज्यादा या कम होगा तो पार्शियली पोलराइज होगी रिफ्लेक्टेड लाइट. और एक और चीज, ये तो मैलस नहीं ऑब्जर्व कर ली थी, दैट इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज देन इट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स लॉ. अब एक और ऑब्जर्वेशन है, ब्रूस्टर लॉ से ही आती है, दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल आईपी, if light is incident at the polarizing angle ip then the reflected ray and the refracted ray yani transmit jo hui, dekhi ye reflected or refracted ray becomes mutually perpendicular. एक ऑब्जर्वेशन है, या कहें जो ब्रूस्टर ने ऑब्जर्व किया उसी का दूसरा फॉर्म है. क्या मान लीजिए ये आपका प्लेन है जहां पे इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से एंगल आईपी बनाते हुए आती है. ठीक है, और ये अनपोलराइज्ड है. मैलस ने ऑब्जर्व कर लिया था कि अभी अगर ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये टोटली पोलराइज्ड होगी. ठीक है, टोटली पोलराइज्ड होगी, और जो ट्रांसमिट या रिफ्रेक्ट होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी. ये ऑब्जर्व कर. अब जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी आईपी ही होगा, ये बात तो तय है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आता है. मान लेते हैं जो रिफ्रेक्टेड एंगल है वो एंगल आर है, जो रिफ्रेक्टेड एंगल है वो है एंगल आर. ओके, तो एक है ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ जो कहता है कि 10 ऑफ आईपी विल बी इक्वल्स टू 10 ऑफ आईपी विल बी इक्वल्स टू म्यू. और एक होता है स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ रिफ्रेक्शन के लिए होता है. ब्रूस्टर्स लॉ एंड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन के लिए वो बताते हैं दैट साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल वेयर आर इज एंगल ऑफ ट्रांसमिशन या रिफ्रेक्शन इज इक्वल्स टू म्यू. आप इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वेट कर दीजिए, तो इसका मतलब ये म्यू और म्यू बराबर ही है ना, तो यू जस्ट राइट
tan of IP equal to sin of IP upon sin R. अब tan को लिख सकते हैं sin upon cos. तो यहां से हम लिख सकते हैं sin IP upon cos IP is equals to sin IP upon sin R. sin IP upon sin R. sin IP से sin IP cancel. You got cos of IP, I polarizing is equals to sin of R. ठीक है. अब आप जानते हैं cos IP को हम sin 90 को cos 90 minus R लिख सकते हैं या sin R को cos pi by 2 minus R लिख सकते हैं. तो let me just draw that. तो हमारे पास equation जो आई वो आई cos IP is equals to sin of R. तो cos IP को हम लिख सकते हैं cos of pi by 2 minus R. pi by 2 is 90 degree. cos. इसका मतलब यहां से हम देख रहे हैं कि IP की वैल्यू दरअसल pi by 2 minus R के बराबर है. और यहां से हमें पता चला कि IP plus R जो है pi by 2 है. IP plus R pi by 2 है. ठीक है. अब देखिए ये एंगल मुझे नहीं पता कि ये वाला एंगल क्या है. Let me call this as O. इसको मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये reflected है तो R और ये transmitted है तो T. तो एक एंगल R O T ये बड़ा वाला एंगल है ये सी. एक एंगल I P है, R O T है और एंगल R है. तो मैं तीनों का सम लूँगा तो 180 हो जाएगा. I have angle I P plus angle R plus angle R O T. ये वाला जो बीच वाला है R O T. मुझे यही find करना है कितना होगा कि 180 की इक्वल होगा. स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया ना तीनों का सम. लेकिन आईपी और एंगल आर का वैल्यू पाई बाई टू यानी 90 के इक्वल है. इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल आर ओ टी जो होगा वो 180 माइनस 90 जो कि 90 के बराबर है, इक्वल टू है. और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें बताना था कि अगर इंसिडेंट एंगल IP या पोलराइजिंग एंगल के बराबर है तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड या रिफ्रेक्टेड में एंगल जो होगा, तो ये जो एंगल आया हमारे पास दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये प्रूव करना था 90 डिग्रीज. ओके, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री. याद रखिएगा दैट जो ब्रूस्टर्स लॉ है, तो हम ब्रूस्टर्स लॉ से ये भी लिख सकते हैं दैट एक्चुअली tan inverse of your refractive index will give you the angle of polarizing angle. ठीक है, on a boundary separating two medias. और जो जो नीचे वाला media है उसका mu is the refractive index. But remember that Brewster's law is not valid for polished surfaces or metal reflectors. Brewster's law is not valid for polished surfaces or metal reflectors. ये केवल glass या glass type material के लिए ही है. या फिर आपने मिरर ले लिया, मिरर से तो ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसके लिए आप ब्रूस्टर्स लॉ नहीं अप्लाई करेंगे. ओके, दूसरी चीज कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कभी कभी या ऑन मोस्ट केसेस इंसिडेंट लाइट पे भी डिपेंड करता है. तो एक फॉर्मूला होता है शायद हाउ इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आर रिलेटेड इज that refractive index is equal to sum a plus b upon lambda square. ये इस तरीके से depend करता है. तो इसीलिए Brewster angle भी wavelength dependent होता है कि आपने कौन सी wavelength ली है. तो एक तो polarization अलग चीज होगी और wavelength of light अलग चीज होगी. तो अलग अलग wavelength के लिए Brewster angle भी अलग अलग हो सकता है. इसका मतलब ये possible है कि red light के लिए जो Brewster या जो आपने angle निकाला है IP, जो रेड लाइट के लिए आपने एंगल निकाला है आईपी, जिसे हम ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, वो ग्रीन लाइट के लिए सेम मटेरियल के लिए डिफरेंट हो जाए. ओके, तो माइंड दोस थिंग्स. सो ब्रूस्टर एंगल विल आल्सो डिपेंड ऑन वेवलेंथ. दूसरी चीज, पॉलिश सरफेसेस या मेटल रिफ्लेक्टर्स के लिए हम ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई नहीं करते हैं. तो ये याद रखिएगा दो चीज. थैंक यू सो मच.